एक्सरसाइज 7.5 हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मेनली तीन फार्मूला है जिसके बेस पे पार्शियल फ्रैक्शन पूरा बेस्ड है। पहला फार्मूला है एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी अप टू एस माइनस एन, चलता जा रहा है ये, इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस बी प्लस बी अपॉन एस माइनस सी प्लस सी अपॉन एस माइनस डी, और ये चलता जा रहा है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे सिर्फ एस का एक वेरिएबल है और यहाँ पे डिग्री बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो एस इंटू एस इंटू एस कितना ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट एन टर्म्स तक, एन टर्म तक ये चलता जा रहा है। पहला ये फॉर्म बन गया जिसमें ऊपर सिर्फ ए थी एस का रहेगा और नीचे बहुत सारा एस का रहेगा। दूसरा जब इक्वेशन बनेगा उसमें दोनों डिग्री सेम रहेगा, तो चाले थे डिग्री सेम रहेगा। नीचे भी देखो एस इंटू एस, तो यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एस इंटू एस एस स्क्वायर हो जाएगा, दोनों डिग्री सेम है। तो जब डिग्री सेम रहेगा तो हम लोग लिखेंगे वन प्लस ए अपॉन एस माइनस सी प्लस बी अपॉन एस माइनस डी। और तीसरा, जब हमारे पास ऊपर में तो ए थी रहेगा पर नीचे एन टर्म में रहेगा तीन ही टर्म, पर इसके ऊपर अगर एन डाल दिया जाए, मतलब द पावर एन, अगर ये पावर एन, ये तो पहला वाला जो इक्वेशन था ये तो एन टर्म्स तक जा रहा था, पर यहाँ पे एस माइनस बी थे पावर एन, मान लीजिए दिया हुआ है एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी थे पावर एन इंटू एस माइनस सी, तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए वन अपॉन एस माइनस बी थे पावर वन प्लस ए टू अपॉन एस माइनस बी थे पावर टू प्लस ए थ्री अपॉन एस माइनस बी थे पावर थ्री अप टू ए एन अपॉन एस माइनस बी थे पावर एन। अब ये तो मैंने बेसिक ऊपर समझा दिया, अब जब मैं इसे क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा तो आप तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये तीनों तो आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो नहीं आता है तो आप स्क्रीन शॉट ले लें और अच्छे से इस पर ध्यान से समझें। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है एस अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। यहाँ देखिए ऊपर सिर्फ एस था एक ही टर्म है, नीचे एस था दो टर्म है, पर पावर एन नहीं है, मतलब इसमें कौन सा इटरेशन जो वन में समझाया वो अप्लाई होगा, इटरेशन वन अप्लाई होगा। क्लियर है? तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस टू। क्लियर है? ए अपॉन ये वाला टर्म प्लस बी अपॉन ये वाला टर्म लिख देते हैं। तो अब हम लोग इस दोनों को इटरेट करते हैं, एस इज इक्वल टू इतना है हमारे पास, तो एस इज इक्वल टू इस तो एल पूरा पूरे एलसीएम ले लेंगे, एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू है, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल बेसिक जो है हमारे पास, तो ए इंटू एस प्लस टू प्लस बी इंटू एस प्लस वन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एस अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू था, क्वेश्चन तो यही था ना, तो एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस वन एस प्लस टू तक कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस टू प्लस बी इंटू एस प्लस वन। क्लियर है? तो दो वैल्यू है यहाँ डिनोमिनेटर में, एस प्लस वन और एस प्लस टू, तो लेट एक बार हम लोग एस प्लस वन तो जीरो डाल देंगे और एक बार एस प्लस टू तो जीरो डाल देंगे, उससे क्या होगा ए और वैल्यू तब ए और बी का वैल्यू हमारे पास तुरंत आ जाएगा तुरंत। तो हम लोग क्या करते हैं, एस इक्वल टू माइनस वन आ गया जब हम लोग एस प्लस वन तो जीरो डाले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डाल देते हैं एस के जगह पे हमें माइनस वन डालना है, तो माइनस वन डाल देंगे, तो एस के जगह पे माइनस वन आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या टू माइनस वन, तो सिर्फ क्या बचेगा ए इंटू वन बचेगा, इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। अब बी की वैल्यू देती है, जब हम लोग एस इक्वल टू एस प्लस टू इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो एस की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, माइनस टू वापस से ऐसे ही डाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस तो जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस टू लिखेंगे, यहाँ एस था तो माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस बी इंटू यहाँ पे फिर से माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस टू तो जीरो हो गया, प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन हमारे पास हो जाएगा, तो माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू,
ए का ये वैल्यू आया, बी का ये वैल्यू आया, अब दोनों वैल्यू हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे किस में, ये जो हमारे पास वैल्यू था इसमें। देखिए तो हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेटेड फॉर्म एस अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए तो जहाँ पे हम लोग डाल देंगे माइनस वन अपॉन, ए तो जहाँ पे हम लोग डाल देंगे माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, एस प्लस वन प्लस बी तो जहाँ पे हम लोग टू डाल देंगे टू अपॉन एस प्लस टू। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इधर भी इंटीग्रेशन डी एस, इधर भी इंटीग्रेशन और डी एस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड एस प्लस वन, प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं टू लॉग मॉड एस प्लस टू प्लस सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे टू है, हमें पता है ए इंटू लॉग बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, लॉग बी के पावर ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ए इंटू लॉग बी था तो टू इंटू लॉग मॉड एस प्लस टू था, ये टू स्क्वायर के रूप में ऊपर चला जाएगा, तो लॉग एस प्लस टू था स्क्वायर, ये लॉग था प्रॉपर्टी से हमने डाल दिया, और ये माइनस साइन था तो माइनस इधर, माइनस लॉग एस प्लस वन प्लस सी, तो अब हमें पता है फिर से लॉग था प्रॉपर्टी, ए माइनस बी लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, लॉग था ही प्रॉपर्टी है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम लोग लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग एस प्लस टू था स्क्वायर अपॉन एस प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर वन था, एक्सरसाइज 7.5 था। आप उम्मीद करता हूँ आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस नाइन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एस माइनस थ्री और एस प्लस थ्री लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस थ्री था यही तो है, वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस थ्री था स्क्वायर ही तो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी था स्क्वायर, तो हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पर डाल दिया, क्लियर है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो ए अपॉन एस माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एस प्लस थ्री, क्लियर है, या फिर इसे प्लस कर दो इसे माइनस कर दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे भी आप तो जो लेना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या तो इसे प्लस ले लो इसे माइनस ले लो इसे प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में वही आएगा, क्लियर है। फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे वन है, तो वन इज इक्वल टू यहाँ पूरा ले दे वन अपॉन एस प्लस थ्री इंटू एस माइनस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस थ्री इन प्लस बी इंटू एस माइनस थ्री। अब जैसे यहाँ पे एस प्लस थ्री इंटू एस माइनस थ्री है, वैसे इधर भी करना है एस प्लस थ्री इंटू एस माइनस थ्री, तो एस प्लस माइन एस माइनस थ्री यहाँ पे पहले था, तो यहाँ पे एस प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एस प्लस थ्री पहले से था तो यहाँ पे एस माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू एस माइनस थ्री प्लस बी इंटू एस प्लस थ्री, और यहाँ पे इक्वल टू में तो है ही वन अपॉन एस प्लस थ्री इंटू एस माइनस थ्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है, हमारे पास सिर्फ यही बचा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस साइड एस का कोई भी टर्म नहीं है, टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, एस का कोई भी टर्म नहीं है, तो एस का टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब क्या हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, कोई भी टर्म नहीं है मतलब जीरो है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म इधर क्या है माइनस थ्री है और इधर है प्लस थ्री बी इज इक्वल टू यहाँ पे है वन। अब हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, इसके मदद से माइनस बी तो उधर ले दिया तो माइनस बी आ गया, अब ए तो यहाँ पे माइनस बी मैं डाल दे रहा हूँ, माइनस थ्री इंटू माइनस बी प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थ्री बी प्लस थ्री बी सिक्स बी इज इक्वल टू वन, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाई सिक्स, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या, अगर बी वन बाई सिक्स है तो ए माइनस वन बाई सिक्स हो जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम लोग डाल देते हैं किस में, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी तो हमें करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एस प्लस थ्री इंटू एस माइनस थ्री डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन बाई सिक्स अपॉन एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री हाँ प्लस वन बाई सिक्स अपॉन एस माइनस थ्री डी एस, क्लियर है,
तो इंटीग्रेट करें दे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स, मैं बाहर ले लिया ये माइनस वन बाई सिक्स, वन बाई एस प्लस थ्री, तो लॉग एस प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस वन बाई सिक्स हो गया, और वन बाई एस माइनस थ्री, तो ये लॉग मॉड एस माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, वन बाई एस प्लस थ्री तो लॉग मॉड एस प्लस थ्री, वन बाई एस माइनस थ्री लॉग मॉड एस माइनस थ्री, वन बाई सिक्स तो मैं बाहर ले लिया, माइनस वन बाई सिक्स तो बाहर ले लिया, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है, ठीक है। प्लस सी मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा।